एक सीक्रेट सेटिंग की मदद से आप व्हाट्सएप पर फुल एचडी क्वालिटी में स्टेटस लगा सकते हैं। कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए हमें व्हाट्सएप में आ जाना होगा। तो यहाँ से मैं अपने व्हाट्सएप में आ जाता हूँ और मैं आपके सामने स्टेटस वगैरह सब लगा कर बताऊँगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। और यार वीडियो को अभी से कर देना लाइक, क्योंकि आप आगे लाइक करना भूल जाते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं स्टेटस वाले सेक्शन में, अपडेट्स वाले सेक्शन में। अब स्टेटस आ गया है तो माय स्टेटस में जाके मैं आपके सामने एक फ़ोटो लगाता हूँ, जो कि यार 12-13 MB का फ़ोटो है, बहुत साल पहले मैंने खिंचवाया था। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैं था, है ना। मैं पहले थोड़ा ऐसा दिखता था, ये देखो। तो ये वाला मेरा ही फोटो है। काफ़ी लोग बोलते हैं तू नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे रीज़न नहीं पता क्यों बोलते हैं लोग। तो हो सकता है मैंने जो हेयर स्टाइल है वो चेंज कर लिया इस वजह से। तो यहाँ पे यार ये 12-13 MB का फोटो है, DSLR से खिंचाया था। अब आप इसकी क्वालिटी अभी देखो, एक भी पिक्सल नहीं फट रहा है ना। जैसे मैं स्टेटस लगाऊंगा, ये देखो हम यहाँ पे स्टेटस लगा देते हैं, एंड अब आप देखना भाई पूरे के पूरे पिक्सल्स फट गए, पूरा ब्लरिश हो गया फोटो यहाँ पे आप देखोगे, है ना। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आप व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके का स्टेटस लगाते हो, चाहे वीडियो फॉर्म में चाहे फोटो फॉर्म में, वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर देता है, कंप्रेस कर देता है, क्योंकि नहीं चाहता वो कि उसके सर्वर पे ज्यादा लोड आए। चाहे आप 100 MB की वीडियो डालो, कंप्रेस करके 10 MB कर ही देगा। तो इसी चीज का एक सोल्यूशन है जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वो व्हाट्सएप की तरफ से नहीं है, वो मेरी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको वीडियो का भी सैंपल दे देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैं आपके सामने एक वीडियो बना लेता हूं। तो यहां पे हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं यार, 2-4 सेकंड की करेंगे। तो यार ये माइक्रोफोन हमारा इनेबल नहीं था, इनेबल कर देंगे। और अब यहां पे अगेन कैप्चर करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो भाई कैप्चर हो जाए, 2-3-4 सेकंड की हो गई है। एंड भाई इसकी भी क्वालिटी फटेगी भाई, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो कंप्रेस कर ही देता है, है ना। ये सेंडिंग हो रही है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो फोटो हो गया। अब यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो भी पूरी फट चुकी है। तो अब सिंपली क्या करो, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना, वो मेरे साथ साथ करते जाना या फिर ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, मैसेज वाले सेक्शन में आ जाना है, और मैसेज वाले सेक्शन में आने के बाद अपने आप को मैसेज करना है। आपको अब ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप की तरफ से स्वयं को, यानी खुद को मैसेज करने के लिए। तो आपको यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि आपके ही नंबर पे मैसेज जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अब आपको यहाँ पे फोटो वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, देन जो भी स्टेटस लगाना है, चाहे फोटो लगाना है चाहे वीडियो लगाना है, उसको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सेम फोटो मैं आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो ये वाला फोटो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भाई क्वालिटी सही आ रही है। अब आप ऊपर यहाँ पे देखोगे एक HD का ऑप्शन आ गया है। अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो सिंपली WhatsApp को अपडेट कर लो, 100% आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक करना है, उसके बाद HD क्वालिटी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से भेज देना है, है ना। अब अगर आपको वीडियो फॉर्म में स्टेटस लगाना है, तो अगेन इस वाले ऑप्शन में जाना है और जो भी वीडियो वाला फॉर्म का स्टेटस लगाना है, यानी जो वीडियो स्टेटस में लगानी है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो एग्जांपल के लिए मैं ये वाली जो वीडियो है ना, इसको स्टेटस में लगाना चाहता हूँ HD क्वालिटी में। तो मैं HD में सिलेक्ट करूंगा एंड HD क्वालिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो HD क्वालिटी, याद रखिएगा। अब जैसे कि अगर मुझे फोटो को यहाँ पे स्टेटस में लगाना है, तो मैं सिंपली इस तरीके से जाऊंगा और शेयर करके माय स्टेटस में जाके इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस लग गया है। वीडियो वाला लगाना तो सेम हम एज इट इज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह पहले तो जाने देंगे भाई, सेंड होने देंगे। तो अब सेंड हो गया, तब हमें यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, देन हमें जाके माय स्टेटस में लगा देना है। अब ये जो हमारे स्टेटस है दोनों लग गए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे जो हमारा रिसेंटली जस्ट नाउ पे लगा, मैं आपको इसके पिक्सल्स बताता हूँ। भाई पिक्सल्स फटेगा ही नहीं, बिल्कुल जैसा फोटो था ना, एज इट इज वैसा की वैसा यहाँ पे हमारा स्टेटस लग गया, आप देख रहे हो, बिल्कुल नहीं फटेगा भाई। कितना जूम करना है बोलो, एक एक मेरे दाग धब्बे तुम्हें दिख जाएंगे, देख सकते हो, है ना। यहाँ पे अब मैं वीडियो भी आपको बता देता हूँ, ये वीडियो देखोगे एज इट इज भाई क्या क्वालिटी आ रही है, बिल्कुल एज इट इज वही क्वालिटी आ रही है जो हमारी वीडियो क्वालिटी थी, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट में, ताकि आपको कोई चीज अगर मिस हो गई हो तो मिस ना हो, है ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, मैसेज वाले ऑप्शन में चले जाना है, देन आपको यहाँ पे अपने आप को मैसेज करना है, फोटो वाले सेक्शन में जाके जिस भी फोटो या वीडियो को स्टेटस में लगाना है, उसको इस तरीके से यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेना होगा। भाई कोई भी हम यहाँ पे फटाक से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई फोटो मेरे दूसरे फोटो को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं
ये वाले फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ये फोटो को मैंने सिलेक्ट करा, देन आपको एचडी वाला ऑप्शन याद से इनेबल करना है। ऐसा नहीं कि भाई सेंड कर दिया तो भाई एचडी में स्टेटस नहीं लगेगा, एचडी वाला ऑप्शन इनेबल करोगे जो सेकंड नंबर पे, तभी एचडी क्वालिटी में स्टेटस लगेगा। तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे भेज देना अपने आप को, जैसे ही यहाँ से सेंड हो जाएगा तो फॉरवर्ड करके स्टेटस हमें लगा लेना है। भाई मैं लगा के ही बता देता हूँ, ये जस्ट शेयर हो गया इस तरीके से, यहाँ पे जाओ ये शेयर वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे है सेकंड लास्ट, और माई स्टेटस में जाके शेयर कर दो, दैट्स इट, आपका स्टेटस फुल एचडी क्वालिटी में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से व्हाट्सएप पे इस ट्रिक को फॉलो करके फुल एचडी क्वालिटी में स्टेटस लगा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो या फिर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट करने से नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।